तीर्थों का तीर्थ है द्वारका मंदिर, जहां राजाधिराज के रूप में विराजते हैं भगवान श्री कृष्ण। द्वारका विविधताओं को समेटने वाली धरती, जहां सभ्यताओं का संगम मिलता है। तीन तरफ से अरब सागर के पानी से घिरा हुआ गुजरात का सौराष्ट्र, वो जगह जहां एक ऐतिहासिक शहर बसता है द्वारका, जो श्री कृष्ण की राजधानी बनी। श्री कृष्ण ने की थी द्वारका की स्थापना। कहते हैं कि 50,000 से भी कम आबादी वाले इस शहर को भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। इसीलिए हिंदू धर्म के साथ सबसे पवित्र धामों में से एक द्वारका को मोक्ष का द्वार माना गया है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के कई रूप हैं और उनके हर रूप का पूजन किया जाता है। द्वारका के कृष्ण महाभारत के कृष्ण हैं। धर्म की स्थापना करने वाले कृष्ण हैं और कर्म का सिद्धांत देने वाले कृष्ण हैं। नगरी बसाने के लिए समुद्र देव से मांगी थी जमीन। कहा जाता है कि कृष्ण ने द्वारका बसाने के लिए समुद्र देव से जमीन मांगी और विश्वकर्मा से द्वारका का निर्माण करवाया। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस शहर में उनकी रक्षा स्वयं द्वारकाधीश करते हैं और यहां आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है द्वारकाधीश मंदिर। मंदिर के निर्माण की कोई ऐतिहासिक तिथि नहीं है, लेकिन प्रमाणों की माने तो मंदिर ने कई बार आक्रमण और पुनर्निर्माण देखे। 8वीं सदी के महान विद्वान आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन कथाओं के अनुसार मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने करवाया था। राजाधिराज के रूप में श्री कृष्ण विद्यमान है। हिंदू धर्म का मुख्य आकर्षण केंद्र माना जाने वाले द्वारका धाम में श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण राजाधिराज के स्वरूप में विराजमान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार द्वारका नगरी भगवान श्री द्वारकाधीश की राजधानी मानी जाती है। भगवान श्री द्वारकाधीश ने जब अपना देह त्याग किया, उसके बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी। तब भगवान द्वारकाधीश के प्रपौत्र वज्रनाभ ने विश्वकर्मा भगवान को आदेश देकर इस तपोभूमि का प्रागट्य विश्वकर्मा भगवान के द्वारा करवाया था। ग्रेनाइट और बालू पत्थर से बना है मंदिर। देवभूमि द्वारका के जानकार शिवु भाई पंड्या ने कहा कि ग्रेनाइट और बालू पत्थर से बना ये मंदिर नागर वास्तुकला शैली का बेजोड़ उदाहरण है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं और पशु पक्षियों की कलाकृतियां बनी हुई हैं। 72 स्तंभों पर खड़े इस मंदिर को त्रिलोक्य जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। करीब 38 मीटर ऊंचे मंदिर के शिखर पर सबसे पहले भगवान के प्रपौत्र के द्वारा ही पहली बार ध्वजारोहण किया गया था। दिन में 5 बार बदली जाती है ध्वजा। भगवान द्वारकाधीश को पूरे दिन में 5 बार ध्वजा बदली जाती है। 4 बार भगवान की आरती की जाती है और पूरे दिन में 11 बार भोग चढ़ाए जाते हैं। यहाँ के गुगली ब्राह्मण पुजारी भगवान द्वारकाधीश जी की राजोपचारी रूप से भगवान की सेवा पूजन करते हैं।